हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आज है 16 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 16 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को सॉरी एप्लीकेशन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं हाल ही में जो कनाडा है जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है इसने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का फैसला किया है और हाल ही में जो पाकिस्तान है इसके द्वारा सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी 290 किलोमीटर इसकी रेंज है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है और फिट इंडिया फ्रीडम रन टू की शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की है और भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि अगले साल तक यानी कि दो तक हम देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बना लेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रिटिश कंपनी हाउस के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2020 में मतलब कि बीते वर्ष में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश ये कौन रहा है तो पूरी दुनिया में यदि दे देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश ये रहा है बांग्लादेश ये रिपोर्ट कहती है दो की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बांग्लादेश ये तो रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित दूसरे स्थान पर पाकिस्तान तीसरे स्थान पर अपने देश भारत का स्थान आता है और चौथे स्थान पर इसमें रहा है मंगोलिया तो ये तो बात हो गई कंट्रीज़ की यदि हम बात करें शहरों की यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा था तो ये था चाइना का जो जिंज्यांग प्रांत है इसका होटन शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है और यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप फिफ्टी पॉल्यूटेड सिटीज़ में केवल तीन देशों के शहर शामिल आप कह सकते हैं बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान और भारत तीन नहीं चार यानी कि रिपोर्ट ये कहती है कि पचास में से जो उनचास शहर हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है इसमें बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान और भारत इनके शहर शामिल हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश ये रहा है बांग्लादेश 2020 में बांग्लादेश के यदि हम बात करें तो भारत से सटी हुई इसकी सीमा है इसकी कैपिटल है ढाका करेंसी है टका प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना president तो ये है अब्दुल्ला हामिद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है समृति अब हम बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि चर्चे में रहा भाषण चारदीप जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट किया जा रहा था इसी बांग्लादेश में स्थित है हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी आजादी के 50 साल कंप्लीट हुए हैं और इसी के उपलक्ष में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी इसका नाम क्या है एक्सप्रेस इसके पहले दो ऑलरेडी चलती थी बंधन और मैत्री बांग्लादेश ने अपने एम सेक्टर में काफ़ी ध्यान दिया जिसके कारण अब ये भारत को पीछे छोड़ते हुए यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये भारत से भी आगे निकल चुका है तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं अगला क्वेश्चन है सितंबर 2021 जो कि आने वाला है अगले महीने इसमें पहली मंत्री स्त्री टू प्लस टू वार्ता का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टू प्लस टू वार्ता का आयोजन किया जाना है अगले ही महीने यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है टू प्लस टू इसका क्या मतलब होता है तो कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति एक देश से और दो व्यक्ति दूसरे देश से यहाँ कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया तो भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ये है टू प्लस टू वार्ता जो कि आयोजित की जाती है क्वाड कंट्रीज़ के साथ अभी क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं तो जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और भारत लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो नया क्वाड बनने जा रहा है हालांकि उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं ये अफगानिस्तान में शांति लाने के पर्पज से स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे तो जिस क्वाड को हम पहले से ही जानते हैं जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और इंडिया इन्हीं क्वाड कंट्रीज़ के बीच में टू प्लस टू वार्ता का आयोजन किया जाता था दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच तो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं मॉरिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर ये सितंबर में भारत और इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे और इसी तरह भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो अब हम क्वाड के बारे में सॉरी अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं इसकी कैपिटल क्या है तो ये है कैनबरा करेंसी तो ये है डॉलर प्राइम मिनिस्टर ये है स्कॉट मॉरिसन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है ऑसिन एक्सरसाइज भारत के नीचे जैसे श्रीलंका स्थित है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देख सकते हैं ये है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप बास स्ट्रेट के नाम से जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो कि हाल ही में चर्चे में रहा था इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास क्वींसलैंड के पास स्थित है साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिजबेन में ही आयोजित किए जाएंगे तो ये भी आप याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है तालिबान में सॉरी तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर कब्जा कर लिया है तो ये जो कांधार है ये सबसे बड़ा शहर है अफ़ग़ानिस्तान का जिस पर कब्जा तालिबानियों के द्वारा कर लिया गया है तो ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है सबसे बड़ा कौन सा है तो ये है काबुल जो कि अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी भी है तो इसकी हिस्ट्री ये तो आप लोगों को मालूम ही है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ देखिए पिछले बीस सालों से जो अमेरिकी सेना है ये कहाँ तैनात थी अफग़ानिस्तान में तालिबानियों का ख़ात्मा करने के लिए लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि होप छोड़ रही है कि अभी तक इनका खात्मा नहीं हो पाया है जिसके कारण अमेरिकी सेना ये अपने देश लौट रही है इसकी घोषणा भी हाल ही में जो बाइडन के द्वारा कर दी गई थी तो बगराम एयरबेस जो कि चर्चे में था अफगानिस्तान से रिलेटेड है ये अब खाली कर दिया गया है मतलब कि यहाँ से अमेरिका की आर्मी का जाना हुआ है और यहाँ फिर से तालिबानियों का शासन आने लगा है अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी ये देश छोड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि तालिबानी यानी कि अफगानिस्तान में जो अशांति है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कारण है यानी कि पाकिस्तान तालिबानियों को सपोर्ट करता रहा है जिसके कारण अब जो यहाँ तालिबानियों का कब्जा है आप कह सकते हैं ये धीरे धीरे पैर पसारने लगा है और इस देश में शांति आ सके इसलिए आप लोगों ने एक पहल सुनी होगी ट्रोइका प्लस मीटिंग जिसमें कि पहली बार भारत को शामिल किया गया था रशिया के द्वारा क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के द्वारा काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है सहतूत बांध आप लोगों को मालूम ही है भारत ने इस पर काफी सारा पैसा लगाया भी है तो अभी यदि हम बात करें अफगानिस्तान की इसकी कैपिटल काबुल है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दूसरा सबसे बड़ा शहर कांधार जहाँ अब तालिबान यानी कि जो तालिबानी है ये अपना शासन चला रहे हैं या उस पर कब्जा करने जा रहे हैं यहाँ की करेंसी तो ये है अफगान अफगानी प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया अशरफ गनी थे यानी कि हैं भी जो कि अब यहाँ मतलब कि इस देश को छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान को यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो एक बगराम एयरबेस चर्चे में था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में एंथ्रक्स निमोनिया से एक मरीज़ के पीड़ित होने का पता चला है तो देखिए एन्थ्रैक्स निमोनिया इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे इससे पीड़ित मरीज है जो ये चाइना में देखने को मिला है हाल ही के दिनों में आप लोग ये देख रहे होंगे कि जितने भी नए तरह के वायरस हैं ये सभी चाइना से ही निकल रहे हैं हालांकि कोरोना की ये तो पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये अमेरिका सॉरी चाइना से ही निकला है या नहीं लेकिन अमेरिका के जो पूरे प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये हमेशा से ही चाइना को पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए या जांच की जानी चाहिए कि ये जो कोरोना की उत्पत्ति है ये कहाँ से हुई है हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये सीधा सीधा चाइना को ही निशाना बनाया करते थे कि ये सब चाइना की ही देन है हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को मंकी बी वायरस के बारे बारे में पढ़ाया था इसके अलावा बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का दुनिया का पहला मामला ये भी चाइना में देखने को मिला था हालांकि अब आप कह सकते हैं कि ये जो एंथ्रेक्स निमोनिया है इसका भी पेशेंट पाया गया है कहाँ पाया गया है हिबेई प्रांत के चेंगदे शहर में अजीबो गरीब इनके नाम होते हैं तो ये किसके संपर्क से हुआ है मवेशी और आप कह सकते हैं जो भेड़ होते हैं या दूषित उत्पादों के संपर्क में आने से ये फैला है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बीमारी है ये मवेशी और भेड़ों में एंथ्रेक्स की मौजूदगी होती है तो बीमार जानवर या दूसरे उत्पाद के संपर्क में आने से इससे इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं सबसे खतरनाक एंथ्रेक्स निमोनिया होता है और यह बीमारी तब फैलती है जब किसी व्यक्ति में सांस के जरिए बेसिलस एंथ्रेक्स जो कि एक रोगाणु है ये शरीर में चला जाता है जो कि इंसान से इंसान में फैलता है तो यही केस देखने को मिला है चाइना में चाइना की यदि हम बात करें देखिए बेसिक चीज़ें आप लोगों को मालूम ही है कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना ये पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है भारत की रैंकिंग इसमें चौथी बताई गई है हाल ही में भारत की सीमा से लगते हुए मतलब कि तिब्बत तिब्बत की जो राजधानी लहासा और निंगशी जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भारत की सीमा से लगते हुए इसने भी हाल ही में इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन ये भी लॉन्च कर दी है दुनिया में कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश ये चाइना ही है हालांकि चाइना ने ये टारगेट रखा है कि 2060 तक हम अपने देश को जीरो कार्बन मुक्त बना लेंगे अगला क्वेश्चन है इसरो ने इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है तो ये लगाया गया है चंद्रयान टू ऑर्बिटर के माध्यम से आप लोगों को मालूम ही है भारत का ये जो चंद्रयान मिशन था चंद्रयान टू ये फेल हो गया था जो कि 22 जुलाई 2019 को रवाना हुआ था तो अभी हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इसरो का ये जो मिशन था इसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज कर ली है तो अभी यदि हम बात करें इसरो की जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी हेडक्वाटर स्थित है बैंगलोर कर्नाटक में और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है ये हैं के शिवान जिनका हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है और इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए नाइट रोबोट का नाम क्या है तो इसका नाम है व्योम मित्र जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ शुरू हुआ है तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केरल में की गई है केरल की जो पुलिस है इन्होंने तिरुअनंतपुरम से भारत के पहले फॉरेंसिक ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र के शुरु की शुरुआत की है जो कि पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले सभी प्रकार के ड्रोन की पहचान करने में सक्षम होगा और इसे मार गिराने में भी ये सक्षम होगा क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने ड्रोन के के द्वारा हमला होता हुआ देखा होगा इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में ये न्यूज निकल कर के सामने आई थी जहां ड्रोन के थ्रू एक तरह का छोटी मोटी घटना आप कह सकते हैं जिसमें किसी की जान तो नहीं गई थी लेकिन ये घटना तो हुई थी ड्रोन के माध्यम से ही हुई थी तो इस तरह से इस तरह के खतरे से सुरक्षा प्रोवाइड करने के पर्पज से भारत में इस तरह की पहली पहल शुरू की गई है केरल में केरल के लिए हम बात करें तो इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम मुख्यमंत्री तो ये हैं पिनरई विजयन राज्यपाल तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान कुछ करंट के क्वेश्चन है जैसे कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल से ही रिलेटेड है सब्जियों के लिए एमएसपी का निर्धारण करने वाला ये भारत का पहला राज्य है डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है केरल में स्थित है कोझिकोट जहां भारत का पहला इंडियन वुमन ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है अगला क्वेश्चन है तीन ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की चौथी आईटी कंपनी कौन बनी है तो ये भी हाल ही में बन गई है एस सी एल एस सी एल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जिसने कि तीन लाख करोड़ या तीन ट्रिलियन आप कह सकते हैं इसका मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है तो तो ये तो बनी है चौथी कंपनी इनसे इससे पहले तीन आईटी कंपनी कौन थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इन्फोसिस और विप्रो अब चौथी बन गई है एस सी की स्थापना 1976 में की गई हेडक्वार्टर नोएडा में है और हाल ही में इसके नए सीईओ ये सी विजय कुमार बनाए गए हैं अगला है हाल ही में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कितने नए वेटलैंड्स को मान्यता दी गई है यानी कि कितने नए स्थलों को वेटलैंड्स के रूप में यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है तो ऐसे कुल चार स्थल हैं जिन्हें कि आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक भारत में टोटल बयालीस रामसर स्थल थे जो बयालीसवां घोषित किया गया था ये था सोकार झील जो कि कहाँ स्थित है लद्दाख में अब चार और नए ऐड कर दिए गए हैं तो अब टोटल कितने हो गए छियालीस रामसर स्थल तो बयालीसवां आप लोगों को मालूम है चार जो नए ऐड हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भिंडावास हरियाणा में स्थित है हरियाणा का ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है गुजरात का ही वाधवाना आर्द्र भूमि इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है ये सभी आप लोगों को पी में मिल जाएगी यानी कि इन आर्द्र भूमि की क्या ऐसी खासियत है जिन्हें जिसके कारण इसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है तो बता ही दिया है मैंने इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या ये हो गई है छियालीस रामसर कन्वेंशन हुआ कब था तो यह हुआ था 1971 में कहाँ हुआ था ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ इस कन्वेंशन का आयोजन किया गया था आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए इन स्थलों को चिन्हित किया जाता है और ये जो आर्द्र भूमि दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया कब जाता है तो ये हर साल दो फरवरी को मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं इससे आपातकालीन सत्र की मांग की है तो हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मदद मांगी गई है ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं आप सभी जानते हैं फिलहाल अफगानिस्तान में अशांति का माहौल है इसी बीच सुलह के लिए काबुल के जो प्रमुख है अब्दुल्ला इन्होंने दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सम्मेलन में आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र के लिए अनुरोध किया है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है ये इस महीने भारत के हाथ में है और भारत इसका अस्थायी सदस्य भी है और इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये दो साल के लिए अस्थायी सदस्य होते हैं और इसके पांच परमानेंट सदस्य देश भी हैं कौन कौन से हैं अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया और फ्रांस और ट्रोइका प्लस मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है अफगानिस्तान में शांति लाने के पर्पज से रशिया के द्वारा ये जो बैठक रही इसमें पहली बार भारत को भी शामिल किया गया देखिए दुनिया की काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ फिलहाल तो अशांति मची हुई है अफगानिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं म्यांमार की जो स्टोरी है यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सू की इन्हें गिरफ्तार किया गया यहाँ सेना का शासन लगाया गया और यहाँ के जो सेना प्रमुख थे हाल ही में इन्होंने खुद को ही यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया है ट्यूनीशिया में भी सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन के कारण यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिचेम मचीची इन्हें बर्खास्त किया गया था क्यूबा में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है जनता सड़कों पर उतर आई है और यहाँ जनता के विरोध को दबाने के लिए क्यूबा में क्या किया गया है इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने अपनी आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हाल ही में अपनी आज़ादी के पचहत्तर वर्ष कम्प्लीट कर लिए हैं भारत ने और इस बार की ये जो थीम थी स्वतंत्रता दिवस की थीम थी राष्ट्र पहले हमेशा पहले ये थी इस बार की थीम काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सारी डिटेल आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्या था इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत के उनहत्तरवे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और जहाँ तक हो सकता है मोस्टली लोगों का रिप्लाई भी कर पाती हूँ तो वीडियो यदि पसंद आया है, तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच